हेलो मरहबा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस ब्लॉग्स एंड दिस योर बॉय मोहम्मद। मैं आपका स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद फिर से आ चुका हूं वीडियो बनाने के लिए। वैसे आज थोड़ा काम था इसलिए निकल रहा हूं, अपने बाइक का ही काम था। ये देखो कहाँ से आ रहा है, देखो देखो आंटी जी उधर निकल रहे, इसको इधर से ओवरटेक करके जाना है। मतलब इडियट्स ऑन रोड का कभी नहीं है हमारे पास। तो आज जा रहा हूं, एक्चुअली ये चीज़ जो है मैं लास्ट 6 महीने से करने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो रहा नहीं है, लेकिन आज मैं करवा के ही छोड़ूंगा। तो सीन ये है कि मेरा जो बॉल रेसर है उसको चेंज कराना है, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं जब पीछे खींचता हूँ बाइक को, मतलब बाइक पीछे नहीं आना चाह रहा है। अभी वो बॉल रेसर का इशू है, जाम लगता है, कुछ चक्का ऐसा लगता है कि वो जाम होकर रखा हुआ है। अभी वो बॉल रेसर का इशू है या बियरिंग का इशू है, किस चीज़ का इशू है वो जाके देखेंगे। और ये सॉकर जो है ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, ये सॉकर, तो ये सॉकर भी आज हम एक्सटेंड करवा लेंगे। तो ये दो काम है, और अगर एक बार हम लोग पूछ लेंगे दाम इसका चेन स्पॉर्केट का, क्योंकि चेन स्पॉर्केट भी चेंज करवाना है हमें। और ये देखिए G20 का मीटिंग होने वाला है भाई साहब हमारे आसाम में, इंटरनेशनल डेलीगेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं वो लोग। तो यहाँ पर मीटिंग चलने वाला है, काफ़ी सुंदर किया गया है गुवाहाटी को हमारा मीटिंग की वजह से। और शायद से ट्रैफिक भी कम ही होगा, क्योंकि उन लोगों की वजह से ट्रैफिक थोड़ा कल से मुझे लग रहा है कि बहुत कंट्रोल कर रहे हैं पुलिस लोग। तो सर्विस सेंटर पहुंचते हैं, जाके देखते हैं क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम आज, और चेंज पॉकेट का दाम पूछ लेंगे, क्योंकि उतना पैसा लेके मैं आया नहीं हूँ अभी। अगर जिस भी जितना पैसा है उतने पैसे के अंदर अगर चेंज पॉकेट आ जाता है तो हम चेंज करवा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो चेंज नहीं करवाएंगे, और अगर सिंपल आगे का बॉर्केट आता है तो बॉर्केट ही चेंज करा देंगे, क्योंकि मेरा स्पॉर्केट ठीक है, मेरा आगे का बॉर्केट का थोड़ा इशू है लगता है। ओके, ये रास्ता कब बन के रेडी होगा और कब यहाँ पे ट्रैफिक कम होगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आज कम से कम 2 महीना तो हो ही गया होगा रास्ता बनते हुए, रास्ता बन ही रहा है 2 महीने से भाई साहब, गजब ट्रैफिक होकर रखा हुआ है। तो लास्ट संडे को जो हमने ऑफ रोडिंग किया था ना, उसके बाद से मुझे लग रहा है मेरे बाइक में कुछ ज़्यादा ही पावर आ गया है भाई साहब, पता नहीं क्यों। ऑफ रोडिंग के बाद से वो भाई 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 अंकल ले, ये जीत गए अंकल। अच्छा जो भी हो, मतलब ऐसा लगता है कि उस दिन के बाद से जब भी मैं बाइक चला रहा हूँ, पता नहीं कुछ जाम वाम वगैरह रखा था क्या बाइक, पता नहीं अचानक से अभी रोड में देखो क्या पुल करता है बाइक, जब से वो ऑफ रोडिंग से आया हूँ मैं। हाँ, पीछे ये मिरर सब ऐसे ही लगा के रखते हैं ये लोग, ये रेयर व्यू मिरर तो लगा के रहे, ऐसे ही लगा के रहे, उसको पीछे देखना घंटा नहीं है उसमें, तो बस ऐसे ही है, पीछे से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है बस काट दो बाइक भाई साहब, कोई उसमें लेन देन नहीं है उसको देखने का, क्या करेगा उसको देखने का, ऐसे ही शो है वो। एल्ट्रॉस G4 ये भी काफ़ी बड़ा गाड़ी है भाई साहब, एल्टुरा G4। तो आगे पहुँच चुके हम भांगागढ़, तो ब्रिज से उतर के शायद सीधा तो ट्रैफिक लगा रहेगा तो मैं अंदर ही अंदर से निकल जाऊंगा। कल फ़ोन करके बोला था कि 10 बजे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, लड़की ने बोला नहीं होगा, दूसरे लोगों ने अपॉइंटमेंट लेके रखते हैं, चलो जाके थोड़ा ओवरटेक करते हैं गाइस, है कि नहीं गाइस। एक्सक्लेन मेंबर है हम लोग, गुड लाइफ मेंबर भी है हम लोग हीरो का, अगर हम लोग को बेनिफिट नहीं मिल रहा तो किसको बेनिफिट मिल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा घंटा करने के लिए दिया है हमने, हैं गाइस एक्स्ट्रा पैसा घंटा करने के लिए दिया है घंटा। एक्चुअली तो जो हम लोग एक्सक्लेन मेंबरशिप में है उन लोग का ये सिस्टम है कि हम लोग का वेटिंग नहीं है, मतलब बाइक जाते ही घुस जाना चाहिए अंदर, ठीक है। अगर कोई बिजी है एकदम ही जगह नहीं तो अलग बात है, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी हमारा बाइक घुस जाना चाहिए अंदर, क्योंकि हम लोग प्रीमियम मेंबर, वही तो है ना प्रीमियम मेंबर, अगर प्रीमियम होके अभी हम लोग का फ़ायदा नहीं मिल रहा प्रीमियम का, तो घंटा का प्रीमियम हो गया क्या हम लोग, है कि नहीं। आज तो मैं उन लोगों को चिल्लाने वाला, अगर आज बाइक टाइम में नहीं घुसा ना, देखो मैंने कल उनको फ़ोन करके बोला 10 बजे का अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट में मुझे चाहिए नहीं था, मैं उनको खाली फ़ोन करके बोला था कि मैं आऊँगा, उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट करा लो, तो ठीक है मैंने बोला 10 बजे का अपॉइंटमेंट करा दो, वैसे भी मेरा आते आते तो 11:30 बज ही जाएगा, जैसे कि अभी बज रहा 11:39 वही बात है। लेकिन जो मतलब जो लड़की वहाँ पे बैठ के वो करता है ना, क्या बोलते, जो अपॉइंटमेंट देते हैं, उन्होंने कहा सर जी 10 बजे जो है खाली नहीं है, बहुत लोगों ने बुकिंग कर लिया है। ओके कोई बात नहीं, वो बाकी हम देख लेंगे जाके, खाली है नहीं है,
है तो हम खुद ही, आप देखो अभी इंजीनियर तो ऐसे तो इंजीनियर हूँ नहीं, वो लोग को काम नहीं करना, मैं खुद ही काम कर लूँगा, वैसे खाली मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए इंस्ट्रूमेंट और प्रोडक्ट एविलिटी हो जाता है ना, एविलिटी हो जाता है ना, तो टेंशन नहीं है। तो ये जो बाइलन है ये अंदर से सीधा निकलता है हम लोग का सर्विस सेंटर को, तो पेलते हैं थोड़ा, गाड़ी वाड़ी को टच करते हैं, बाय बाय, पीप पीप पीप। दीपदा बाहर ही मिल गया हमें, चलो देखते। ओ भाई साहब इतना सारा गाड़ी है। हेलो दादा, हले से दादा, ओके दादा, हमें अपना बाइक का बोल्डर से चेंज कराना है। हाँ हो जाएगा, बढ़िया, हम कल अपॉइंटमेंट लिया था। सो गाइस घर से आया था 11:30 बजे और अभी बज रहे 3:30, अभी तक बाइक का काम शुरू नहीं हुआ है तो बहुत भूख लगा है, रोल और कुछ खाने के लिए आ चुका हूँ, खा लेता हूँ पहले। आज बैंड बजने वाला है भाई साहब। सो गाइज अभी बज रहे 4:40 और अभी मेरा बाइक लिया गया है अंदर में और बताया जा रहा है कि 5 बजे सर्विस सेंटर बंद हो जाता है, जिसके वजह से आज शायद बाइक यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब अभी मुझे गुस्सा चढ़ रहा है भाई, तो मुझे 10 बजे का अपॉइंटमेंट दिया ही क्यों अगर मुझे इतना टाइम रुकना है भाई, करीब से करीब 4 से 5 घंटे से अभी सर्विस सेंटर में। हो चुका है गाइस और काम जो है अभी मतलब खुल चुका है पूरा, बाइक अभी लगाने का बाकी है, देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी लगाते लगाते, अगर 6:30 बजे से पहले हो जाता है तो बाइक लेके जा सकेंगे, अगर नहीं होता है तो आज पैदल ही घर जाना पड़ेगा। 10 minutes later सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:48, ठीक है, तो अभी ये लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर सर कल सुबह ले लीजिएगा, कल सुबह ले लीजिएगा, लेकिन नहीं भाई साहब सुबह मैं ले सकता हूँ लेकिन मुझे 9 बजे के पहले चाहिए और सर्विस खुलता है 8:30 बजे, तो लेते लेते ये लोग मुझे गाड़ी देते देते फिर से 11:30-11:12 बजा देगा, तो भाई इतना देरी से कैसे लूँ फिर से मैं, अगर देरी करना ही था तो कल ही पहुँचा था, जब मैं फ़ोन करता तो कभी कल ही मैं गाड़ी दे जाता, आज रेडी हो जाता, इन लोगों ने मेरे साथ उल्टा पुल्टा काम कर दिया। अभी मैं सुबह 10 बजे से इधर बैठा हुआ हूँ, 10 बजे से बैठने के बाद अभी बताते हैं कि जब शाम को 4 बजे बाइक घुसाता है उसके बाद बताता है कि टाइम लगेगा भाई, आज नहीं होगा, तो ऐसे कैसे होगा भाई, बुलाए हो 10 बजे, अपॉइंटमेंट लिया हो तब तो काम करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं। देखो हर बार ऐसा नहीं है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, इससे आगे मैं बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ हूँ इस शोरूम पर, मतलब इस सर्विस पर, लेकिन इस बार मैं घंटा कुछ नहीं करने वाला, क्या बोलते हैं ये, इस बार मैं कॉम्प्रोमाइज़ घंटा नहीं करने वाला, इस बार मुझे सब कुछ ठीक करके ही जाना है मेरे को इस बार, रोज़ तो मैं इधर आऊँगा नहीं। और ये जो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के साथ मैं आज आया हूँ, बॉल रेसर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मेरा आज का नहीं है, 4-5 बार मैं आ चुका हूँ इस प्रॉब्लम के साथ। ये वो लोग का सर्विस का एक गाड़ी है जो मुझे मैंने लिया है, मैंने बोलते बहुत भूख लगा है भाई साहब, थोड़ा पैसा निकाले कुछ खा के आता हूँ लेकर भी आता हूँ, गिव मी अ व्हीकल, तो उन्होंने ये इस बाइक का चाबी दिया तो ये लेके जा रहा हूँ फटाक से ATM एक मिल जाए तो कुछ चाहूँ थोड़ा सा पैसा निकाल के कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, देखता हूँ उल्टा पुल्टा है किसी मिला वाला कोई जाओ। सो गाइस फाइनली हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। रुको टाइम बताता हूँ कितना बजे हुआ, आया था कितना बजे, मैं 3:30 बजे आया था, बस सॉरी कहाँ 3:30 बजे, 3:30 बजे बाइक घुसा था मेरा, मैं आया था 11:30-11:30 बजे आया था और अभी टाइम हो रहा है 7:36, तो कितना होगा कैलकुलेट करने से 8 घंटा में लग गया भाई दो काम के लिए, ओके भाई, मतलब 8.5 घंटा में क्या क्या काम हो जाता आज। और चार्जेस लगा, मुझे दिखाता हूँ चार्जेस, घर में जाके दिखाता हूँ, अभी थोड़ा पेलते हैं, सुबह से खड़ा होते होते हालत ख़राब हो गया है गाइस, हमने आज ये मेरा हैंडल का और एक काम करवा दिया है जो कि है
ये जो सॉकर्स रहता है, सॉकर भी थोड़ा सा राइज होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो चीज़ हमने राइज करवा दिया, मतलब आगे की तरफ से अभी मेरा बाइक थोड़ा ज़्यादा ऊँचा हो गया। और आज मुझे पता चल रहा है अभी बॉल रेसर मेरा वो हो गया ना, ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सब अलाइनमेंट आ गया सीधा सीधे। अभी मुझे फील हो रहा है कि मेरा हैंडल थोड़ा सा बैंड है, ठीक है, क्योंकि इतना दिन से मैं बैंड हैंडल में ही चला रहा था, इधर से थोड़ा सा बैंड है मेरा हैंडल, बैंड हैंडल में चला रहा था इतना दिन से, पता नहीं चला था, लेकिन आज मुझे पता चला, देखो ऐसा लग रहा है बाइक ऐसा है क्या भाई। फाइनली गाइस, सर्विसिंग में कितना टाइम लगता है देख लिया आप लोगों ने। एक्चुअली मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, गलती यहाँ पे मैनेजमेंट गया। देखो इन लोगों को पता है बॉल क्या बोलते हैं इसको, रेसर का काम में टाइम लगता है, ठीक है, दो घंटा तो मिनिमम लगता ही है रेसर का काम में, तो तुम लोग को पता ही है रेसर का काम में टाइम लगता है। तो तुम लोग अगर मेरे को 10 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है, मैं 11:30 बजे आया हूँ, तो कम से कम आते ही आधा घंटा बाद हो या फिर लंच के बाद ही हो, 2 बजे मेरा बाइक चढ़ा देना चाहिए था, तो इतना देर नहीं होता। इन्होंने मेरा बाइक चढ़ाया 4:45 को, ठीक है, 15 मिनट था शोरूम बंद होने के लिए, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा बताया उन लोगों को, देखो भाई मैं अपना टाइम में ठीक हूँ, गलती तुम लोगों का है, तुम लोग बुक तो इसको, तो इसलिए पूरा बाइक रेडी करके ही लेके निकला, पूरा शोरूम का अकेला बाइक यही था, सर्विस में अकेला बाइक आज मेरा ही था, ठीक है। सो गाइस, घर आते बिस्तर पे लेट चुका और ये है मेरा बिल, देख पा रहे हो आप लोग, पार्ट्स का दाम मेरा पड़ा 532 389, ऑल टोटल 921 रुपीज़ का पड़ा, और इधर दोनों पार्ट का अलग अलग मतलब फिटिंग चार्ज होता है, एक का कुछ 242 और एक का 97 रुपीज़, तो इसलिए ऑल टोटल बिल आके पहुँचता है 1302 रुपये में, साथ में GST CA GST भी लग जाता है मतलब बिल में। तो गाइस देखिए, ये जो प्रॉब्लम आता है ना सर्विस सेंटरों में, सबके साथ आता है, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ या फिर हीरो के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है इसलिए मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ भी होता है ये सब, लेकिन आज मैंने इक्वल कर दिया। देखो उन्होंने मुझे 10 बजे बुलाया था, मैं पहुँचा 11 बजे, तो मैं 1 घंटा लेट था, चलो मैं 1 घंटा लेट था, तो मेरा काम 2 घंटा लेट स्टार्ट करो मुझे ख़राब नहीं लगेगा, ठीक है, मेरा काम शुरू हुआ 5 घंटा लेट, ओके, मैं 11 बजे गया था, 12:01:02:03:04:40 पर 5:40 लेट मेरा बाइक मतलब काम शुरू हुआ, 5 घंटा लेट। 5 घंटा लेट होने के बाद बाइक जब चढ़ता है उसके बाद मुझे बताया जाता है कि आज बाइक नहीं होगा, आपको रख के जाना पड़ेगा, ये कोई बात हुआ भाई साहब? अगर यही बात था तो जब मैं पहुंचा था उसी टाइम बता देते मैं बाइक आज देता ही नहीं, या फिर मैं कल ले जाता है कि नहीं, एंट्री मुझे करवाना ही नहीं था अगर तुम लोगों का आज बाइक नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम मेरा बहुत पुराना प्रॉब्लम है, 6 बार मैं जा चुका इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन हर बार ये टाइम की वजह से 19-20 हो जाता है, लेकिन आज जो है आज मैं छोड़ने वाला नहीं था, आज मैं करवा के आया हूँ, आज सुबह से उन्होंने मुझे वेट कराया, शाम को मैंने उनको काम करवाया, ठीक है, मतलब पूरा सर्विस सेंटर में सबका काम हो गया था, बस एक टेक्नीशियन मैं था, मतलब टेक्नीशियन थे और लेकिन सबका काम खत्म हो गया था, मैं था जो उन लोगों का काम में रहते, रिसेप्शनिस्ट वैसे रिसेप्शनिस्ट थे, फिर अकाउंट के लोग, वो लोग सब एक ही जन के लिए बैठा था, वो था मैं, क्योंकि देखो भाई मुझे तुम लोगों ने दिन भर रुकवाया खाली पेट, ठीक है, मतलब देखो एक रोल खाया मैंने, रोल में क्या ही पेट भरता है, खाना अलग चीज़ होता है, रोल में कभी पेट नहीं भरेगा, अभी हम लोग जैसे दानव जैसे लोगों का पेट नहीं भरता है भाई साहब। 8 घंटा लगा है मुझे आज सर्विस सेंटर में, 8 घंटा गाइस, नॉट अ जोक गाइस, 8 घंटे में मैं यहाँ से कहाँ पहुँच जाता, अगर मैं बाइक चला रहा होता तो मैं कहीं ना कहीं तो बहुत दूर पहुँच जाता 8 घंटा में, सीरियसली 2 घंटा में तो गोलपरा पहुँच जाता हूँ मैं, 8 घंटा में बहुत सिलीगुड़ी उली क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाता मैं, तो सोचिए 8 घंटा लगा दिया उन्होंने आज काम कराने में, इसलिए मैंने भी नहीं छोड़ा, दिन भर तुम लोगों ने मुझे रुकाया, शाम को मेरा काम करो, काम खत्म होगा उसके बाद ही घर जाना है, क्योंकि देखो मैं कल बिजी रहूँगा, अभी फिर बाइक में उधर रख डाल दूंगा, फिर कल के लिए मैं बिजी रहूँगा, कल मैं बाइक लेने नहीं जा पाऊँगा, फिर परसों के लिए अभी रुका रहो, फिर अभी वो लोग अगर बाइक देता वो अलग बात है, बाइक मिले ना मिले उन लोगों से, मैं क्या अभी दूसरों से बाइक मांगते घूमते रहो, ये तो कोई बात हुआ नहीं ना गाइस, तो इसलिए नहीं, तुमने हमको परेशान किया, हमने तुमको परेशान किया, हिसाब बराबर इक्वल सॉल्ट। अभी आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, मैं बहुत थक चुका हूँ, हाथ मुँह धोना है एकदम गंदा हो गया, काला काला लगा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कहीं तो जा सका नहीं मैं आज, अगर जा सकता तो मैं दिखाता ब्लॉग में, लेकिन कहीं पर गया ही नहीं आज दिन भर मुझे सर्विस सेंटर में, शब्द जो आ रहा है मुँह में नहीं बताऊँगा सर्विस सेंटर में, मेरा मतलब आज माथा खराब हो गया, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए गाइस, तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट एंड डब्ल्यू एम, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे गाइस, बाय बाय।